मेरे चैनल नीता विक्रम में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त नीता। आज का वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा किचन किस तरह का है। एक्चुअली एकदम मेरा फेवरेट प्लेस है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आने वाला है और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड सबके साथ जरूर शेयर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो जैसा मैं आपको बता रही थी कि आज मैं आपको अपना किचन दिखाने वाली हूँ, वो मेरा एकदम फेवरेट प्लेस है, बहुत बड़ा है, ऑर्गेनाइज करा है, कौन कौन सी चीजें कहाँ रखी है, चलिए मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको अपने किचन में लेके चलती हूँ। मेरा किचन बहुत स्पेशियस और एकदम बड़ा सा है। सबसे पहले मैं आपको अपने गैस स्टोव के पास ले जाऊँगी, जहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा टाइम कुकिंग करती हूँ, और आपने उस एरिया को बहुत अच्छे से पहले भी कई बार देखा हुआ है। यहाँ पे ये मेरी गैस रखी है। गैस के ऊपर का जो साइड है ये एकदम अच्छा कांच का साइड है, जिससे इसे साफ़ करना मेंटेन करना बहुत ईजी होता है, और ये एकदम ऑटोमेटिक गैस है, तो इसमें मुझे कभी भी लाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गैस का यूनिट एकदम अलग से दिया हुआ है, इसके नीचे थोड़ी सी अलमीरा है, और ये गैस यूनिट की एक ख़ास बात है कि ये बिल्कुल दीवार से अटैच नहीं है, तो इसे हम आराम से खिसका के कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। इस यूनिट के अंदर मैंने केवल आलू, प्याज और लहसुन रखा हुआ है, जिसे मैंने इस तरह खोल के रखा हुआ है, जिससे कि ये सड़ते नहीं हैं और एकदम फ्रेश रहते हैं यहाँ पे हमेशा। और अब इसके ऊपर की तरफ मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ पे नॉर्मली मैं अपना मिक्सर ग्राइंडर यहाँ रख के यूज़ करती हूँ, और यहीं पर मैं अपनी पूरी कुकिंग करती हूँ। ये छोटा है बट काफ़ी यूज़फुल है। इसके साइड में है मेरी ये गैस सिलेंडर, ये छोटी सी जगह पे गैस सिलेंडर आ गए हैं, और यहाँ पे एक चेयर रखी है मैंने, जिस पे आमतौर पे मेरा बेटा बैठता है और वो मुझसे बातें करता है, पढ़ाई भी करता है। चलिए मैं आपको अपनी किचन का दूसरा साइड दिखा देती हूँ। यहाँ दूसरे साइड पे काफ़ी सारी शेल्फ दिखेंगे आपको। नीचे 4 अलमीराज हैं, जिनमें कि डबल डोर है, और एक ड्रॉज है जिसमें कि 4 ड्रॉज हैं। देखिए ये इस तरह से है लंबा सा एरिया, और इसके ऊपर भी इसी तरह से ढेर सारी कैबिनेट्स हैं। ऊपर भी ऐसी 2 डबल डोर की अलमीरा है और 2 सिंगल डोर की अलमीरा है। देखिए यहाँ पे एकदम लंबा सा एरिया है, उसके ऊपर एक एग्जॉस्ट फैन है और उसके ऊपर है एसी। यस, मेरे किचन में एसी लगा हुआ है, जिसे मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। कभी अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तभी इसका हमें यूज़ करना होता है। चलिए आपको अपना किचन दिखाने से पहले आपको मैं याद दिला दूं, आपको मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है अगर अभी तक आपने नहीं करा है। इस रेड कलर के बटन को ज़रूर दबाइए फ्रेंड्स, बाजू में बनी हुई इस बेल को भी दबाइए, जिससे कि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। अब मैं आपको ले चलती हूँ ये ऊपर वाले स्लैब पे। मैंने यहाँ पे दाल चावल के डिब्बे रखे हुए हैं, इन अच्छा खासा स्टोरेज हो जाता है, और ये ऊपर रखे होने के कारण मुझे झुकना भी नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी बैक में काफ़ी पेन रहता है, तो मैं नॉर्मली अपनी चीज़ें इस तरह से रखती हूँ, जिससे कि मुझे झुकना कम से कम पड़े। अब मैं आपको सबसे किनारे के डबल डोर शेल्फ को खोल के दिखाती हूँ। यहाँ पे एक मसाला बॉक्स बना के रखा है। मसाले एक्चुअली बहुत तेज़ स्मेल रहती है, तो इन्हें हम किसी और चीज़ के साथ नहीं रख सकते, तो यहाँ मैंने रखा है। यहाँ पे ढेर सारे अखरोट रखे हुए हैं, और रखा है ओरियो, और नॉर्मली काफ़ी सारी दालें या जो भी चीज़ मैं स्टोर करती हूँ वो यहीं पे रखी रहती हैं। इसी के बाजू से फिर से ये मेरा स्टोरेज वाला अलमीरा है, जहाँ पे कि दाल चावल स्टोर करा हुआ है, थोड़ा सा पोहा रखा है, काफ़ी सारे चिप्स के पैकेट रखे हैं, और मेरा मिक्सर ग्राइंडर रखा है, और एक कांच की प्लेट रखी हुई है, जो कि मैं नॉर्मली अपने यूट्यूब चैनल पर यूज़ करती हूँ। इसके ऊपर का जो शेल्फ़ है वो बहुत यूज़फुल है, क्योंकि यहाँ पे मैं सारे मसाले रखती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए मसाला बॉक्स है, शहद है, और अमचूर पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऊपर का जो शेल्फ़ देखेंगे, ये नॉर्मली मैं सुबह के समय यूज़ होने वाला सारा सामान यहाँ रखती हूँ, जैसे ओट्स, च्यवनप्राश, चाय पत्ती, गुड़ और नमक वगैरह, जो भी चीज़ें मुझे नॉर्मली सुबह ज़रूरत होती है वो इस पूरे शेल्फ़ में रखी हुई हैं। अब ये यहाँ पे ऊपर वाला एक डबल डोर वाला शेल्फ है, जो मेरी एकदम किचन यूनिट के सामने है। यहाँ मैं अपना सारा का सारा ग्रॉसरी रखती हूँ, जैसे दालें हैं और काजू बादाम, कोई भी चीज़ जो भी मेरे यूज़ की चीज़ होती है वो सब यहाँ पे रहती हैं। सब नॉर्मली मैंने अपने ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस में रखी हैं, जो आराम से मुझे दिख जाती हैं। जो एक्स्ट्रा होता है वो नीचे स्टोरेज में रहता है, और जो मुझे यूज़ करना होता है वो ऊपर रहता है। कॉर्नर वाला जो स्क्वायर बॉक्स था उसमें नॉर्मली पास्ता रहता है, जिसमें मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, और दालें इस तरह से रखी रहती हैं। सामने कॉफ़ी भी रखी हुई है मैंने, शहद है, और ऊपर की तरफ मैंने ये जो नीचे वाला बॉक्स है स्क्वायर बॉक्स, इसमें सूखे मसाले रखे हैं, जैसे साबुत लाल मिर्ची, साबुत हरा धनिया। उसके ऊपर का जो बॉक्स है उसमें पोहा रखा है। एक्चुअली पोहा थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए उसे बड़े बॉक्स में रखना चाहिए।
और यहाँ पे मैंने मसाले रखे हुए हैं, ये सब ड्राई फ्रूट्स हैं, एकदम हैंडी हैं, आराम से कभी भी जब ज़रूरत हो क्विकली निकाले जा सकते हैं। तो इस तरह से मेरा ये वाला शेल्फ बहुत ही यूटिलिटी वाइज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको कॉर्नर में ले चलती हूँ। यहाँ पे कॉर्नर में मैंने कुछ मसाले रखे हुए हैं, जैसे लौंग का पाउडर है, सेंधा नमक है, और मेरे बेबी के लिए मैंने ड्राई फ्रूट पाउडर बना के रखा हुआ है, वो भी यहाँ रखा है, एक शक्कर का डब्बा है, और यहाँ पे है घी, पिकल और कुछ नमक का डिब्बा। और नॉर्मली जब भी मैं जो खाना बनाना होता है, खाना बनाने की प्रिपरेशन करनी होती है, वो सामान भी यहीं रखती हूँ। जैसे आज मैं पालक बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पालक रखी हुई है, और ये है ऑयल का कंटेनर, जो अभी खाली हो गया, मुझे इसे चेंज करना है। यहाँ एक नॉर्मली मैं पॉली बैग रख लेती हूँ, जिसके अंदर की अपने ड्राई फ्रूट्स के कभी छिलके या सब्जियों के जो भी छिलके हैं वो रखने में आते हैं। यहाँ पे ये नल, जो हमारा पीने का पानी है, वो नॉर्मली इस तरह प्लास्टिक के कंटेनर में होता है, तो उसको यहाँ रखते हैं, जिससे कि जब भी बॉटलें भरें तो जो एक्स्ट्रा वाटर हो वो सीधे के सीधे सिंक में गिरेगा। आप देख सकते हैं ये सिंक काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पे आराम से मैं बर्तन धो लेती हूँ और धो के इसी तरफ पे रख देती हूँ। ये बर्तन धोने के बाद जब सूख जाते हैं तभी मैं इन्हें जमाती हूँ। और यहाँ सिंक के नीचे का जो एरिया है वो एकदम खाली है दोस्तों। नॉर्मली मैं इस एरिया को कभी यूज़ नहीं करती, क्योंकि ये इसे साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना यहाँ घर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े हो जाएंगे, जो कि मैं बच्चों के साथ बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, तो मैं इस जगह को एकदम साफ़ रखती हूँ। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मेरे बर्तन पूरे सूख जाएंगे, तो मैंने कहाँ जमाऊँगी, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये मेरी सबसे पहली ड्रॉज है, जिसके अंदर अराउंड 20 से ज़्यादा कटोरियाँ हैं और काफ़ी सारे ग्लासेस हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि एकदम मॉड्यूलर नहीं है, तो इसे मेंटेन करना बहुत ईजी होता है। यहाँ पे मैंने कांटे और चम्मचे रखी हैं, देखिए कटोरियाँ एक के अंदर एक इस तरह से जमाने वाली हैं, तो इन्हें रखना बहुत आसान है। मेरे सारे के सारे बर्तन इसी तरह के हैं, जो कि एक के अंदर एक जाके सेट हो जाते हैं, तो एक ही जगह पे जैसे छः छः करके इस तरह के तीन कटोरियों के सेट नॉर्मली रखे रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की छोटी से लेके बड़ी कटोरी तक रखी हैं, काफ़ी सारी खलचुली और जो भी लेडल्स मुझे यूज़ होते हैं कुकिंग में वो रखे हुए हैं। इसके नीचे का ये वाला अलमेरा भी बहुत यूज़फुल है। इसके अंदर आमतौर पर मैं अपनी तीन कढ़ाई रखती हूँ, तीन बड़े डोंगे रखती हूँ और दो भगोनियाँ रखती हूँ, और साइड में कुछ प्लास्टिक कवर्स रखती हूँ। अब इसके अंदर मैं रखती हूँ सारी प्लेट्स, अपना पटा, बेलन और ये कुछ मेजरिंग कप्स रखे हैं, और सबसे लास्ट वाला ड्रॉज है, इसके अंदर मैंने रखे हुए अपने सारे नॉनस्टिक कुकवेयर। तो आप एक तरह से समझ सकते हैं कि इन चार ड्रॉज के अंदर मेरी किचन के सारे यूटेंसिल्स आ जाते हैं। यहाँ पे मुझे बहुत फ़ायदा है, क्योंकि ये मॉड्यूलर किचन नहीं है, तो मैं यूटेंसिल्स को एकदम आराम से रख सकती हूँ, और मेरे यूटेंसिल्स भी बहुत कन्वीनियंट हैं। बर्तन इस तरह के होंगे तो उन्हें जमाना बहुत आसान होता है। अब आप देख सकते हैं ये एक ऊपर का शेल्फ है, जिसके अंदर पन्नी के अंदर मैंने चिप्स पापड़ अच्छे से बांध के रखे हैं, जिससे कि उन्हें हवा ना लगे, हवा लगने से चिप्स पापड़ ख़राब हो जाते हैं। बहुत कम सामान था यहाँ पे। अब ये जो साइड का एरिया है, यहाँ पे कुछ कप्स रखे हुए हैं, और इसके बाद एकदम कॉर्नर पर मैंने वॉशिंग पाउडर रखा है, क्योंकि मेरी वॉशिंग मशीन यहीं पर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और बीच के एरिया में जो वाटर कैंटल्स खाली हो जाते हैं, मैं वो रखती हूँ। देखिए ये वॉशिंग मशीन है मेरी, और ये जो कॉर्नर वाला शेल्फ अब रह गया था, मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। यहाँ मैंने अपने क्लीनिंग रिलेटेड सामान रखा है, जैसे सोप्स हैं, टूथपेस्ट हैं और डिश वॉश बार है, या जो भी चीज़ें मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ दोस्तों, वो यहाँ पे रख दी हैं, क्योंकि इस जगह पे आकर शेल्फ को खोलना बहुत कम होता है मेरा, तो इस शेल्फ को नॉर्मली मैं इसी तरह बंद रखती हूँ। इसके अंदर देखिए एक बड़ा कुकर रखा हुआ है मैंने, जिसे बहुत ही कम मैं निकालती हूँ। इसके ऊपर वाले शेल्फ में मैंने प्लास्टिक के ढेर सारे बॉक्सेस रखे हैं, जिसमें लंच बॉक्सेस हैं या फिर जो भी मेरे टी के एम्प्टी बॉक्सेस होते हैं, और मिक्सर ग्राइंडर है, इडली का सांचा है, एक छोटी सी कढ़ाई है जिसके अंदर मैं कभी कभी खाना सर्व करती हूँ, काफ़ी सारी कलछुलियाँ हैं या फिर लेडल्स हैं, एक कांच का जार है, पेपर प्लेट्स हैं, तो इस तरह का बहुत सारा घर में जो सामान होता है वो यहाँ कॉर्नर के कैबिनेट में है। रियली इतना सारा स्पेस होने से मेरी जो यूटिलिटीज़ की प्रॉब्लम है वो एकदम सॉर्ट आउट रहती है, किचन बहुत सिस्टमेटिक रहता है, स्पेशली चीज़ें हैंडी रहती हैं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है कि मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो मुझे जल्दी से हाथ में मिल जाए। मुझे बहुत ज़्यादा सब चीज़ें अंदर छुपा के रखने का शौक़ नहीं है, तो मैं चीज़ें इस तरह से रखती हूँ कि वो फटाक से मुझे मिल जाए। अब ये फ्रिज है मेरा, मेरे पास एक छोटा फ्रिज है, जिसके ऊपर मैंने इसके ऊपर पन्नी लगा के उसके ऊपर पेपर रखा हुआ है। नॉर्मली जब भी किचन में काम करते हैं तो बघार उड़ता है, जिसके कारण कि ये गंदा हो जाता है, तो मैं इसको साफ़ रखने के लिए इसी तरह कवर करके रखती हूँ। छोटा फ्रिज हमारी छोटी सी फैमिली के लिए बहुत है,
और यहाँ पे एक स्टैंड रखा हुआ है जिस पे नॉर्मली मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए मैं आपको बाहर की तरफ लेके चलती हूँ। ये मेरा बड़ा सा स्पेशियस किचन, हो सकता है आप सबको बहुत पसंद आया होगा। देखिए ये इसके एकदम एग्जिट साइड पे ही एक मैंने छोटी सी डस्टबिन रखी है जिसमें बच्चे आके कचरा फेंक सकते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सो बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में आपसे।